मध्य प्रदेश के खरगोन में एलएनटी पावर हाउस में चोरी करने आए एक चोर को गार्ड ने गोली मार दी, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एसडीओपी सहित थाना इंचार्ज मौके पर पहुंचे और पूरा मामला जांच में लिया है। जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर बड़वा थाने के काटकूट के निकट एलएनटी के पावर हाउस पर सुरक्षा गार्ड की गोली से एक चोरी करने वाले युवक की मौत हो गई। काटकूट से 15 किलोमीटर घने जंगल में एलएनटी द्वारा निर्मित पावर हाउस नंबर 2 के स्टील यार्ड की घटना है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रात को 12 बजे चोरी की नियत से आए बदमाश को पथराव शुरू कर दिया। बचाव में सुरक्षा गार्ड ने गोली चलाई। देवास जिले के उदयनगर के निकट देवगिरी के नरेंद्र पिता टेंटू की गोली लगने से मौत हो गई है। बड़वा एसडीओपी मानसिंह ठाकुर और बलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची है। चोर को घायल अवस्था में बड़वा अस्पताल लाया गया, जहां चोर को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में ले लिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। चलाने का मामला सामने आया सर, ये रात्रि में एक सूचना मिली थी कि एलएनटी कंपनी के अंतर्गत जो पाइपलाइन लग रही है, उसमें प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के द्वारा ये जानकारी दी गई कि उनके यहाँ कुछ चोरों ने धावा किया था, और वो चोरों ने धावा करने के दौरान जो वहाँ से वस्तु चुराई, तो चुराने के बाद जब वो जा रहे थे तो उनको रोकने के उद्देश्य से जब उन्होंने प्रयास किया तो उनने उन पर हमला कर दिया, और इस बात को लेकर के वहाँ कुछ फायरिंग वायरिंग हुई, और इनके जो एलएनटी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी संभवतः फायर से उसको चोट लगी, और उसको उसी टाइम घायल अवस्था में बड़वा हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित किया। इस संबंध में थाना बड़वा पर मर्ग दर्ज किया गया है और मर्ग जांच अभी की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।